सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं लीगल रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, विच आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन। एंड एट द सेम टाइम ये आपको दूसरों से ऊपर एज देंगे। इफ यू आर सॉल्विंग ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, देन देयर विल बी द कंसेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। Now the passage which is given in front of us is again concerned with the principle of the strict and the absolute liability. इस principle में दोनों ही liabilities के बारे में बात की गई है। इसके पहले जो हमने concept of video किया था उसमें I have in detail explained you कि absolute और strict liability actually होता क्या है बेटा। तो if you are still confused, अगर आपको अभी भी doubt है तो just go and watch that video। अब इसके questions पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि ब्लास्टिंग ऑपरेशंस को कैरी ऑन करती है। एक दिन वहाँ पे जब ब्लास्टिंग ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, वहाँ से एक रॉक निकल कर आता है और नियर बाई कार को डैमेज कर देता है। सो हियर वी नीड टू एस्टैब्लिश द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। इफ वी गो बाय द ऑप्शंस, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, बिकॉज ब्लास्टिंग ऑपरेशंस को अगर आप एक प्रिमाइसिस पे कैरी ऑन कर रहे हो तो इट इज़ नो वे द नेचुरल यूज ऑफ द लैंड, एंड दैट इज वाई द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज हैज़ बीन अट्रैक्टेड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल कहता है कि अगर अनफोर्सेबल सरकमस्टांसेस जो कि एक स्ट्रेंजर कॉज करता है और उसकी वजह से अगर आपको डैमेज होता है, सो फॉर दैट पर्पस द डिफेंडेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। बिकॉज जब हमने प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पढ़ा था तब उसके अंदर सर्टेन एक्सेप्शंस थे, जिसके अंदर एक एक्सेप्शन था द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी और द एक्ट ऑफ द स्ट्रेंजर। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि शर्मा फैमिली के घर में उनके बड़े बेटे की वेडिंग थी। अब फॉर दिस पर्पस दे हैव इन्वाइटेड अ लॉट ऑफ गेस्ट। आपको पता है इंडियन वेडिंग्स कैसे होती हैं, गेस्ट कितने सारे आ जाते हैं, कुछ बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं साथ में। तो क्या होता है, फॉर दिस पर्पस जो वाटर रिक्वायरमेंट थी उसको मीट करने के लिए शर्मा फैमिली ने अपने घर में ह्यूज क्वांटिटीज़ में वाटर को स्टोर करके रखा। अब बेटा जब टर्म आ गया है ह्यूज क्वांटिटीज़, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होती है कि इट वॉज नो वे द नेचुरल यूज ऑफ द लैंड एंड इट अट्रैक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पे जो कैच है वो ये है कि आसपास के एरिया में आपने देखा होगा आपके घर के भी बच्चे गली क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो शर्मा फैमिली के घर के पास भी बच्चे गली क्रिकेट खेल रहे थे और एक बच्चे ने ज़ोर से बॉल को हिट करा एंड कंसिक्वेंटली बॉल ने टैंक को डैमेज किया, जिसकी वजह से वाटर लीकेज होता है, प्लेंटिव के प्रमाइसिस में जाता है जो कि स्पाइसिस से डील करते हैं और उनके स्पाइसिस को वो ख़राब कर देता है। Now here we have to establish the liability of the Sharma family. So if we go by the exceptions, so it amounted to the act of the third party and that is why they have been exempted from the liability if they are able to prove it कि जो भी damage हुआ है वो act of the stranger की वजह से हुआ है, right? Strict liability में बेटा हमारे पास certain exceptions इसीलिए दिए गए हैं। So यहाँ पर जो correct option है वो है option number B, कि शर्मा फैमिली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे हैव टेकन डिफेंस ऑफ द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ द एक्ट इज कॉजिंग हार्म इज बैक्ड बाय द लेजिस्लेशन और द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विल नॉट बी एप्लीकेबल। अगेन this is the question with regards to the exception given for the strict liability, right? तो statutory authority हमने देखा था वो authority होती है जिसको कोई statute establish करता है और जो कि government के under में आती है। तो अगर इस case में कोई भी leakage होता है या damage cause होता है, so for that purpose the government will not be held responsible because they have the defense of the statutory authority. Now हम facts को देख लेते हैं। जल बोर्ड है दिल्ली का, तो आपको पता है आपके घरों में जो पानी आता है ना सप्लाई से,
वो बेटा जल बोर्ड ही आपके घर में भेजती है। अगर आप दिल्ली में नहीं हो, दूसरे स्टेट्स में भी अगर आप रहते हो, तो वहाँ पे भी जल बोर्ड ही उस स्टेट की आपके घर में पानी की सप्लाई करती है। नाउ यहाँ पे क्या होता है, जल बोर्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर सप्लाई इन दिल्ली। एक दिन क्या जो ह्यूज क्वांटिटीज़ में उन लोगों ने वाटर को स्टोर किया था टू सप्लाई, उसके अंदर पाइपलाइन में कुछ फॉल्ट हो जाता है और उससे फ्लड हो जाता है उस एरिया में। बिकॉज आपको पता है जल बोर्ड अगर पानी की सप्लाई कर रहा है तो दे स्टोर द वाटर इन द ह्यूज क्वांटिटीज। नाउ फॉर दिस पर्पज वी हैव टू डिसाइड द लाइबिलिटीज ऑफ द जल बोर्ड। इन दिस केस अगर आपने प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझा है तो आपको पता है कि यहाँ पे जल बोर्ड की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती है बिकॉज दे हैव द डिफेंस ऑफ द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी हियर इज करेक्ट, राइट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि पहले आपको प्रिंसिपल बताया फिर उसके एक्सेप्शंस बता दिए। सो यू हैव टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्सेप्शन कौन सी सिनेरियोस में एप्लीकेबल होते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। द पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1972 में बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू कॉपरेट एंड टू द कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। अब वेयर द पोल्यूटर वॉज कैप्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन दैट ही और शी इज कॉजिंग, राइट। सीधी सी बात यही है कि अगर आप पोल्यूशन कर रहे हो सो फॉर दैट मैटर यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। बिकॉज जब हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को पढ़ते हैं तो उसमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के साथ साथ एनवायरमेंटल लॉस के भी प्रिंसिपल अट्रैक्ट होते हैं एंड पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल इज वन ऑफ सच प्रिंसिपल। नाउ इसी के बारे में ये पैसेज है, तो इसका मेन आइडिया जो है इट इज़ टू अचीव द इकोनॉमिकली एफिशिएंट लेवल ऑफ द प्रोडक्शन एज वेल एज टू कर्ब डाउन द पोल्यूशन, राइट। अब हम आगे पढ़ते हैं तो हमारे सामने जो फैक्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि तिमार एंड को इज अ बिग इंडस्ट्री ऑपरेटिंग इन हरसिमपुर। ओके, इंडस्ट्री नाम से समझ में आ गया, बिग इंडस्ट्री, एब्सोल्यूट लायबिलिटी यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती है। आगे देखते हैं, द इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द बिजनेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द मेटल ड्यू टू विच हैवी अमाउंट ऑफ कार्बन इज एमिटेड इन द एटमोसफियर। ज़्यादा अमाउंट जो है कार्बन का वो एटमोसफियर में एमिट होता है। बिकॉज ऑफ दिस द एनवायरमेंट इज गेटिंग अफेक्टेड बट नो पर्सन इज इंजर्ड ड्यू टू दिस। नाउ वी हैव टू एस्टैब्लिश द लायबिलिटी। बेटा यहाँ पे डिफरेंशिएट इस तरीके से करेंगे कि देखिए कोई भी हजार्डस केमिकल के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ना ही हजार्डस सब्सटेंस के बारे में यहाँ पे बात हुई है। यहाँ पे सिर्फ इतनी बात हुई है कि एनवायरमेंट में कार्बन के एमिशन की वजह से पोल्यूशन हो रहा है विच हैपन्स एवरी डे। हम सभी कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो यहाँ पे किस तरीके की लाइबिलिटीज एंटरप्राइज की बनती है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। The enterprise is responsible under the rule of the polluter pays principle, but not under the principle of the absolute liability. अब public liability insurance act के बारे में यहाँ पे बात हुई है। मैंने आपको बताया था कि 1991 में just after the evolution of the principle of the absolute liability कोर्ट ने पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट को इनैक्ट किया कि अगर कोई इंडस्ट्री इंडिया में इस्टैब्लिश हो रही है सो फॉर दैट पर्पस बिफोर इस्टैब्लिशिंग द इंडस्ट्री इंडस्ट्री को एक इंश्योरेंस का अमाउंट बैंक में जमा करवाना पड़ेगा जस्ट इन केस अगर उस इंडस्ट्री से हजारों सब्सटेंसेस लीक होते हैं और आसपास के लोगों को उससे कोई भी नुकसान होता है तो इंडस्ट्री अपनी लाइबिलिटी से पीछे नहीं हटेगी। दे हैव टू कॉम्पनसेट द पीपल by the amount of that insurance, okay? So this is all about the Public Liability Insurance Act, which is again concerned with the principle of the absolute liability, जो कि एम सी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उसके बाद जब लोगों को लगा कि नहीं इंडस्ट्री तो इस्टैब्लिश हो रही है और उसकी वजह से कई बार लीकेजेस भी होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, तब कोर्ट्स को भी ये चीज़ उनके सामने लेकर आई गई कि एक लाइबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें एक लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर एक्ट वॉज इनैक्टेड इन द ईयर 1991। क्वेश्चन को हम देखते हैं, एक्स वाई जी कॉरपोरेशन है जो कि एस्टैब्लिशिंग एजेंसी
इंडस्ट्री है इन अ लोकेलिटी वेयर इन देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो इंडस्ट्री है वो कंसर्न है विद द प्रोडक्शन ऑफ द बग किलर एंड फॉर दिस पर्पस NIC जो गैस है NIC गैस है इसका वो यूज करते हैं. इन द ह्यूज क्वांटिटीज दिस पर्टिकुलर गैस इज स्टोर्ड इन द फैक्ट्री. द गैस डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द हजार्डस सब्सटेंस. अब यहाँ पे क्लियरली मैंशन है फैक्ट्स में कि हजार्डस सब्सटेंस की कैटेगरी में गैस फॉल नहीं करती है. XYZ इज लाइबल फॉर द इंश्योरेंस अंडर द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट और नॉट, राइट? तो फैक्ट्स आपके सामने, बड़ी इंडस्ट्री है लेकिन हजार्डस केमिकल को वो यूज नहीं कर रहे हैं. तो जब आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. नो, बिकॉज द इंडस्ट्री इज नॉट डीलिंग विद द हजार्डस सब्सटेंसेस, दैट्स वाई उनको पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के अंदर इंश्योरेंस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है. बिकॉज अगर इंडस्ट्री है और वो हजार्डस सब्सटेंस से डील कर रही है तभी उनको इंश्योरेंस करवाना पड़ता है. आगे बढ़ते हैं. इफ एन इंडस्ट्री और एंटरप्राइज इज एंगेज इन सम इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द हजार्डस सब्सटेंस जिसकी वजह से कमर्शियल गेन भी उनको हो रहा है एंड देयर इज दिस पोटेंशियल डैमेज व्हिच कुड बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, तब क्या किया जाएगा? तो इसी के बारे में ये पैसेज था. अब हम फैक्ट्स को देखते हैं कि हरिओम इंडस्ट्रीज जो है वो एसोसिएटेड है विद द पेस्टिसाइड प्रोडक्शन. एक प्लेस है जो कि सिचुएटेड है एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड सिटी के अंदर. नाउ वन डे गैस का लीक होता है और इनसाइड द फैक्ट्री, नाउ हियर यू हैव टू सी द फैक्ट्स कि इनसाइड द फैक्ट्री ही दो लोगों की जान जाती है. Who inhaled the gas? The families of the workers sued the owner of the factory. Now we have to decide the liability. Now it is clear that कि पहली बात तो industry है जो कि क्या है, बहुत populated जगह पे situated है और वो pesticide production के लिए certain chemicals का use कर रहे हैं. तो जब आप option देखते हो तो option number B यहाँ पे correct है. The owner is liable under the rule of the absolute liability because उसमें हमने देखा था escape is not necessary. Escape could even happen inside the industry and that will still attract the liability, right? In almost all cases, the rule of absolute liability is considered as an exception of the law. After the accident of the oleum gas leak which happened in Delhi only, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आया. बार बार ले देख के वही सारी बातें हो रही हैं. अब हम सीधे फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नाउ हमारे सामने जो फैक्ट हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो है हमने अभी देखा कि वो एक्सेप्शन के रूप में कंसिडर किया जाता है. नाउ पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट की भी बात आगे बात हो रही है यहाँ पे कि हजार्डस इंडस्ट्री जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हजार्डस सब्सटेंस को प्रोक्योर करके रखा जाता है और उससे फिर आगे प्रोडक्शन किया जाता है. इस इंडस्ट्री में कई सारे लोग एम्प्लॉयड भी होते हैं एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क होती है उनकी जान की. एग्जाम्पल ऑफ सच इंडस्ट्री इज द ऑयल रिफाइनरीज दैन द केमिकल प्लांट्स. But it does not include the industries concerned with the light, rural or service industries. Now, अब यहाँ पे एक फैक्ट को देखते हैं कि an industry is being established in Purugram, the industry would be engaged in the production of the crude oil. अब crude oil आपने देख लिया अगर पैसेज अच्छे से पढ़ा है आपने कि जो crude oil है वो हजारों सब्सटेंस की कैटेगरी में ही आता है. Because बेटा अगर crude oil एक बार लीक हो जाए तो वो कई समय तक सरफेस पर रहता है और वो पल्यूट भी करता है और जो नॉर्मल उससे जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे वेपराइजेशन की एक्टिविटी हो रही है या अगर कोई ओशन में वो चला जाए रिवर में चला जाए तो वहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं उनको भी उससे प्रॉब्लम होती है, राइट? तो हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दिस आर सपोज टू बी डिस्पोज इन द रिवर सिचुएटेड नियर बाय. तो क्या ऐसा करना चाहिए, राइट? So the correct option here is the option number C.
दैट इज द इंडस्ट्री शुड क्रिएट फंड्स अंडर द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस बिकॉज जो क्रूड ऑयल है वो एक हजार्डस सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है और जस्ट इन केस अगर वो लीक होकर लोगों को परेशान कर रहा है, उनको कोई डिसीजेज हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट, तो उसके लिए उनको लोगों को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इन टॉर्ट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द नो फॉल्ट लाइबिलिटी. अगेन यही सारी बातें हो रही हैं. अब हम सीधे फैक्ट्स पे आते हैं. अरुण, मनीष एंड जय, दे डिसाइड टू स्टोर वाटर इन ह्यूज टैंक्स. ओके, अब यहाँ पे बेटा हमें समझ में आ गया है कि तीनों का कंसेंसस था और तीनों ने खुद ही मिलकर डिसाइड करा था कि दे नीड टू स्टोर द वाटर इन द ह्यूज क्वांटिटीज. दैट मीन्स कि यहाँ पे कॉमन बेनिफिट और कंसेंट का भी एस्पेक्ट आ रहा है. अब क्या होता है, अरुण हु हैड लार्ज लैंड सिचुएटेड इन द लोकेलिटी वेयर दे ऑल लिव, तो इन्होंने डिसाइड करा कि अरुण के घर में ही हम एक रिजर्वायर को बनाते हैं जहाँ से गर्मी के टाइम पे हम सभी की जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाएगी. वन डे वाटर लीक होता है अरुण के घर से और मनीष के घर में जाके फ्लड कर देता है. नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर मनीष कैन स्यू अरुण अंडर द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और नॉट. सो द आंसर इज नो बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शंस कि अगर आप किसी चीज़ के लिए खुद कंसेंट दे रहे हो और उससे आपको कोई डैमेज हो रहा है सो यू कैन नॉट क्लेम एनी कॉम्पनसेशन. तो इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, राइट? सो विद दिस हमने कुछ टॉट के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है विच वर कंसर्न विद द प्रिंसिपल ऑफ द नो फॉल्ट लाइबिलिटी. स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू एवरीवन.